नोट कर लीजिए सर, आप अपना कस्टमर आईडी नंबर जी सर बताइए। 74 जी 97 जी। हेलो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि दोस्तों आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप कस्टमर आईडी कैसे पता कर सकते हैं, यानी कि दोस्तों IPPB मोबाइल बैंकिंग का आप कस्टमर आईडी कैसे पता कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आप सभी को यही बताने वाला हूं, आप घर बैठे ऑनलाइन आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप कस्टमर आईडी कैसे पता कर सकते हो। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, अगर आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक यानी कि IPPB मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर रजिस्ट्रेशन करने के लिए जाते हो तो यहाँ पे आपका अकाउंट नंबर, कस्टमर आईडी, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर मांगा जाता है। और यहाँ पर आप लोगों के साथ यही होता है कि आप लोगों को कस्टमर आईडी पता नहीं है, तो आप कैसे पता कर सकते हो घर बैठे ऑनलाइन अपने मोबाइल से ही, चलिए इस वीडियो में जानते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं, उनसे पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों लाइव प्रूफ में अपने फोन में जो है कस्टमर से कॉल कर दिखाऊंगा और जो मेरा कस्टमर आईडी है उसे पता कर दिखाऊंगा। तो दोस्तों उनके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ से आ जाते हैं अपने मोबाइल फोन के होम स्क्रीन पे। और दोस्तों मैं आप सबसे पहले ये भी कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की तरफ से अगर आपको इस तरीके का कार्ड मिला होगा तो यहाँ पे भी आप लोगों को कस्टमर आईडी दिया जाता है। CIF नंबर जो लिखा हुआ है इसके सामने जो नंबर है यही होता है कस्टमर आईडी, लेकिन कुछ लोगों के पास नहीं है, कुछ लोगों को पता नहीं है। तो आप ऑनलाइन घर बैठे कैसे पता करेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अपने फोन में फोन डायलर को ओपन कर लेना है। फोन डायलर को ओपन करने से पहले उस बात का ध्यान रखें कि आप लोगों का जिस नंबर से आप लोगों का IPPB बैंक यानी कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक रजिस्टर्ड है, लिंक है, उसी फोन से आपको कॉल करना है, उसी सिम से आप लोगों को कॉल लगाना है, तभी आपका कॉल लगेगा, है ना। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों, कस्टमर आईडी को कॉल करने के लिए आपको 155299 आप लोगों को इस तरीके से नंबर को डायल करके, सॉरी हमने जिस नंबर से लिंक है उसे हम लगाना है ना, तो यहाँ पे 155299 पे क्लिक करके और यहाँ से आप लोगों का रजिस्टर मोबाइल नंबर से ही कॉल करना होगा। जैसे हम लोग कॉल को एक्टिवेट करते हैं तो यहाँ पे स्पीकर में कर लेते हैं। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। तो दोस्तों हम लोग 1 दबा देते हैं हिंदी के लिए। तो यहाँ पे वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक से संबंधित जानकारी के लिए 5 दबाएं। थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स के लिए 6 दबाएं। ग्राहक आईडी और खाता संख्या की जानकारी के लिए 7 दबाएं। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को 7 दबा देना है। 7 दबाने के बाद आपको वेट करना है, बोलिए कनेक्ट हो रहा है। तो ये कॉल कनेक्ट हो रहा है। नमस्कार, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में आपका स्वागत है। मैं अमन, आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? जी सर, मैं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का जो कस्टमर आईडी पता करना चाहता हूँ। कस्टमर आईडी नंबर जानना चाह रहे हैं जी? जी सर जी, निश्चित रहिए जिसमें हमारे द्वारा पूरी सहायता की जाएगी। जानकारी देने से पहले एक बार आपका पूरा नाम जान सकता हूँ? जी सर, मेरा नाम MD साजिद। नाम बताने के लिए धन्यवाद। 9 पेपर दीजिएगा, जो चेक की जा रही है। सर खाते की सुरक्षा है तो क्या मैं आपके माता जी का नाम जान सकता हूँ? जी सर, मेरे माता जी का नाम है। जान सकता हूँ खाता संख्या? जी सर, माई अकाउंट नंबर बताता हूँ। 0 85 10 10 10। और सर क्या मैं आपका जन्म तारीख जान सकता हूँ? वेरिफिकेशन कंप्लीट करवाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नोट कर लीजिए सर, आप अपना कस्टमर आईडी नंबर जी सर बताइए। 74 जी 97 जी सर 1095 से संबंधित और कोई सहायता कर सकता हूँ मैं आपकी? जी नहीं सर, बताने के लिए धन्यवाद।
तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं लाइव प्रूफ में कर दिखा दिया हूँ कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का आप कस्टमर आईडी आप कैसे पता कर सकते हैं, आईपीवी मोबाइल बैंकिंग ऐप का आप कस्टमर आईडी आप कैसे पता कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको लाइव प्रूफ कर दिखाया हूँ, वो भी घर बैठे अपनी मोबाइल फ़ोन से ही। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो हमारी इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।